न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद डीसी, डीडीसी, एसडीएम सहित कई अधिकारियों ने लिया कोरोना का वैक्सीन। कहा, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित। कुछ डॉक्टर अफवाह फैला रहे हैं जिस पर होगी कार्यवाही। शुक्रवार को धनबाद जिला उपायुक्त सहित कई अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन लिया। इस दौरान सदर अस्पताल में पूरे नियम का पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन कराया गया, जांच कराया गया और फिर भारत में बने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का डोज लिया गया। कोविड वैक्सीन लिया और मैं अभी वेट करूंगा 35 से 40 मिनट। मेरे साथ साथ आज जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, जिसमें डीडीसी हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसडीओ हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, सारे वरीय पदाधिकारीगण आज कोविड वैक्सीन ले रहे हैं। और अभी तक मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये बिल्कुल सेफ है और हमारे ज़िले में अभी तक बहुत सारे डॉक्टर और हमारे हेल्थ वर्कर्स ले चुके हैं। कोई भी मेजर साइड इफेक्ट इसके नहीं सामने आए हैं। हम लोग हमेशा से अपील करते आए हैं, एक बार फिर से मैं अपील करूँगा कि सभी हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को जिनका नाम सूची में है उनको सामने आना चाहिए, कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए। किसी भी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन, गलतफहमी, झूठी अफवाहों, खबरों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। हम लोगों को कुछ सूचना ये भी मिली है कि पीएमसीएच में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनकी सूचना मुझे मिली है और मैंने आपदा विभाग को ये निर्देश दिया है कि वैसे डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि उसी पीएमसीएच में कई सारे वरीय डॉक्टर और हमारे कई सारे हेल्थ वर्कर कोवैक्सीन का इंजेक्शन ले चुके हैं, परंतु यदि किसी डॉक्टर या पदाधिकारी या अन्य किसी के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया जाएगा, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा।